खरड़ के जनता चौक के नजदीक रहते सीए अरुण शर्मा पर सुबह घर में घुसकर हमलावरों द्वारा गोलियां चला दी गई, जिस कारण अरुण शर्मा घायल हो गए। अरुण शर्मा खरड़ के मशहूर डॉक्टर अनिल शर्मा के भाई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अरुण शर्मा ने घर की ऊपरी मंजिल पर किराएदार रखे हुए हैं, जिस कारण बाहर वाला मेन गेट खुला रहता है, जिसके चलते घर में हमला करने आए व्यक्तियों ने घर के अंदर दाखिल होकर बरामदे के साथ लगते अरुण शर्मा के घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल होने के बाद अरुण शर्मा व उनके बेटे पर हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों व अरुण शर्मा के बीच हाथापाई भी हुई। इस दौरान हमलावरों ने उनके बेटे के साथ भी मारपीट की, जिसके पश्चात हमलावरों ने अरुण शर्मा को गोली मार दी, जिस कारण अरुण शर्मा घायल हो गए। इस दौरान उक्त हमलावरों द्वारा घर के बाहर खड़ी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। ये सारी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस मौके पर डीएसपी खरड़ पाल सिंह, एसएचओ भगवंत सिंह द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। घायल अरुण शर्मा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अरुण शर्मा के पारिवारिक सदस्यों ने हमलावरों की पहचान कर ली है और ये मामला निजी रंजिश का बताया जा रहा है। इस मौके पर एसपी रूरल रवजोत कौर गरेवाल भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुराली से हलचल के लिए अश्विनी गौड़ की रिपोर्ट। हाँ जी, साढ़े को इन्फॉर्मेशन आई है कि रात में करीबन 3 बजे रीवन शर्मा एंड अजय शर्मा नाम के प्यो पुत ने उन्होंने अटैक हुए है घर के विच, ते पांच बंदे ने एंड पांच जड़े आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो दो बंदे जो अनआइडेंटिफाइड ने, इन्होंने पहला आके बाहर गड्डी तोड़ी है, तो अंदर आके शॉट्स फायर किए ने, तो जोड़े फादर ने अजय शर्मा उन्होंने काफ़ी कुटिया मारिया, वो हूँ एडमिटिड ने हॉस्पिटल के, असी मौका विजिट किया सारे अफसर ने, तो बयान दिए ने, तो बंदे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उन्होंने जल्दी अरेस्ट किया।